नमस्कार, आप सभी का आईवन उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक महीने से भी ज्यादा समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। हालांकि महिला पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया, लेकिन उनके अंदर की आग अभी तक सुलग रही है। महिला पहलवानों के आंदोलन पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान की व्यवस्था को मानना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही इसमें FIR दर्ज की गई, जिसमें की जांच गतिमान है। ऐसे में चाहे खेल हो या खिलाड़ी, कहीं पर भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में मुझे लगता है कि हम सबको संविधान की व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से मामला कोर्ट में चल रहा है और वर्तमान में जिस प्रकार से कोर्ट के निर्देश पे FIR दर्ज होना और उस पर जांच गतिमान है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जो है उसमें सहयोग करते हुए उसे एक निष्कर्ष पे जो है पहुंचाने का काम करना चाहिए। न कि खेल हो या खिलाड़ी हो, उसे कोई राजनीतिक अखाड़ा बनाए, कभी कोई दल समर्थन करे, कभी कोई करे, कभी कोई करे, तो मुझे लगता है कि यह संविधान का है। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां मडुआ पहाड़ी उत्पादकों का एक अलग ही पहचान है। लिहाजा झुंगर के साथ यहां के मोटे अनाज को लेकर सरकार के साथ अब स्थानीय लोग भी इसका प्रचार करने में लगे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसको लेकर उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों में भी पार्टियों का आयोजन करते आए। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने अपने कैंप कार्यालय में मीडिया कर्मियों के साथ जनप्रतिनिधियों को पार्टी दी गई। इस मौके पर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आज उत्तराखंड के पर्वतीय फल और अनाज को विकसित करने के उद्देश्य से इस तरह की पार्टियां हरीश रावत द्वारा की जाती हैं, जिसके कई फायदे हैं। के साथ हम मिलकर पूरे प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, हम अपने फलों को के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, हमारे पर्वतीय फलों को संरक्षित करने के लिए, विशेष तौर पर कांपल, खुमानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती और हमारी जो खाद्यान्न है जिसमें मडुआ, झुंगरा, हमारे भट, गहत, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। और आज उसी क्रम में हमारे कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम का, उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही ऑपरेट हो रही है, जिसके लिए ये आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। से संचालित करने होते हैं और अब लगभग आंगनवाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा, उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी, जिसका फंड भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक का काफ़ी लंबा समय जो है वो 5-6 साल का बीत चुका है, जिसमें मोबाइल में कई सारी चीज़ों को लेकर। चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने हर स्तर से तमाम तैयारियां की हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भारत चौधरी ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को पिछले साल की तुलना में काफी मजबूत किया। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा जगह जगह मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। वर्ष जिस तरह से यात्रा आई उसको देखते हुए इस बार पर्याप्त इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा और सरकार का भी बहुत फोकस था, बहुत जोर था इस बात पे कि किसी तरह की भी कोई परेशानी जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनको न होने पाए। काफ़ी
बेहतर व्यवस्थाएं इस बार की गई थी, लेकिन मौसम पे किसी का जोर नहीं चलता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में, बल्कि यूँ कहिए कि अपने पूरे जीवन काल में भी इन महीनों में इस मौसम में। खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से है, जहां थराली मोहनगिरी में 2 जून से 5 जून तक अभिनीत भंडारी महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के महंत रजनीश आनंद गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेले का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक गढ़वाली गानों पर अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिली। तो वहीं तमाम विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रमों मंचों पर होने चाहिए, जिसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। पिंडर घाटी बहुद्देश्य विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है, मैं उसके लिए प्रेम देवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, तो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां प्रशासन के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में राजपुर गांव में राजस्व विभाग की ओर से चिन्हीकरण किया गया, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण बंजर भूमि से हटाया जाना है, जबकि राजस्व विभाग के अधिकारी सरकारी तालाब के पास रहने वालों को नोटिस दे गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व राजपुर गांव में सरकारी तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों के विवाद के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था, जिसके बाद आज फिर राजपुर गांव में राजस्व विभाग ने चिन्हीकरण किया है। कोई डायरेक्शन दिया गया था कि हम लोगों को कि एक बार इनको पुनः सुन लें और सुनने के बाद इन पे जो कार्रवाई है या जो भी है उसमें आदेश है वो पारित करना था। तो उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा वहाँ पर डिमार्केशन किया गया, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो बंजर की जमीन से हटाया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा जो नोटिस दिए गए थे तालाब के ऊपर अतिक्रमण के नोटिस दिए थे, तो उसी के उसमें कार्रवाई चल रही है। जैसी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ही ये बता।